हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली एक्सप्रेस। वेल दोस्तों, ऋषि सिंह को धनतेरस के बड़े ही शुभ मौके पर करण जौहर ने क्यों बुलाया अपने बंगलों में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट इंडियन आइडल से आ रही है कि एक्सक्लूसिवली करण जौहर का इंडियन आइडल के मेकर्स को कॉल आया है और कॉल करके धनतेरस वाले दिन बुलाया गया है ऋषि को करण जौहर के घर, जिसके बाद शो में ऑडियंस के बीच में और साथ ही साथ सेट में जजेस और जितने भी कॉन्टेस्टेंट हैं सबके बीच में एक्साइटमेंट है कि आखिर ऋषि क्यों जाएंगे करण जौहर के घर, क्यों बुलाया गया होगा। वेल दोस्तों, क्या है पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल दोस्तों, एक्सक्लूसिवली ये खबर सामने आई है कि करण जौहर तक पॉपुलैरिटी की खबरें पहुंच चुकी हैं ऋषि सिंह की। ज़्यादा बातों को इस वक्त डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा एस्टीमेशन इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि धर्मा प्रोडक्शन के अपकमिंग कुछ न्यू फिल्म्स हैं जिसमें न्यू स्टार किड्स को करण जौहर लॉन्च करने वाले हैं और न्यू स्टार किड्स के साथ ही वो कुछ आगे की मूवीज़ को बनाएंगे। जो न्यू स्टार किड्स अभी आए हैं जिसमें सुहाना खान का नाम, आर्यन खान का नाम और ऐसे ही कई और नाम शामिल है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी ही न्यू यंग वॉइस को लेना पसंद किया है और इस वक्त पूरे देश की सबसे चहेती आवाज़ ऋषि सिंह है। इसीलिए ऋषि सिंह को बुलाया गया है बंगलों में, वो भी करण जौहर के। वेल, इसके बाद दूसरा बड़ा जो सवाल है ऑडियंस के बीच में वो ये है कि धनतेरस के दिन क्यों बुलाया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे की बड़ी वजह है उनकी माँ। जी हाँ, करण जौहर की माँ ने धनतेरस के दिन बोला है करण को कि वो ऋषि को घर पे बुलाएं, क्योंकि ऋषि को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड खुद करण की माँ है। और साथ ही साथ धनतेरस बहुत ही बड़ा शुभ मुहूर्त है और उस दिन ऋषि के हाथों में कॉन्ट्रैक्ट थमा कर वो उन्हें साइनिंग अमाउंट देना चाहती है ताकि उनका पहला काम शुभ हो। आप क्या कहेंगे हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।